हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। गाइस, हम आज बात करते हैं गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हैं। तो गाइस, हम धारा की बात करते हैं। सीआरपीसी की धारा 50 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को पूछने का पूरा अधिकार होता है। जैसे कि मानो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो वो व्यक्ति पुलिस से ये पूछ सकता है कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले कि पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस व्यक्ति को बता सके कि आपको इस मामले में अरेस्ट किया जा रहा है, यह संज्ञेय अपराध किया है आपने, असंज्ञेय अपराध किया है तो आपको इसीलिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो गाइस, इस धारा में यही दिया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति को पूछने का पूरा अधिकार यानी कारण जानने का अधिकार होता है। सीआरपीसी 50 सबसेक्शन 1, सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 के अनुसार महिला को अरेस्ट करने का कुछ समय होता है। जैसे कि सूरज डूबने से पहले ही दोनों को एक समय होता है, यानी एक तो सुबह का समय जो कि सूरज निकलने के बाद अरेस्टिंग होगी, और उधर सूरज डूबने से पहले अरेस्टिंग होगी महिला की, वरना उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती। अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी स्पेशल परमिशन लेनी होगी मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेनी होगी तब जाकर महिला की रात को अरेस्टिंग हो सकती है, वरना उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती। और इसमें भी यही है कि महिला अगर साथ में होगी, महिला पुलिस, महिला कांस्टेबल होगी तो ही उसकी अरेस्टिंग हो सकती है, वरना उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती। यह गिरफ्तार जब भी किया जाएगा, मैं आपको असल में बता दूं, गिरफ्तार जब भी किया जाएगा महिला को, जब तक महिला पुलिस साथ आएगी गिरफ्तार करने के लिए, तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मेमो बनवाने का पूरा पूरा अधिकार होता है हर व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति को बगैर अरेस्ट वारंट पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है तो व्यक्ति धारा 41 सबसेक्शन बी के तहत बोल सकता है, पहले मेरी अरेस्टिंग तभी होगी, सबसे पहले मेरे अरेस्ट मेमो बनवाइए, तब जाकर मैं अपने आप को गिरफ्तार कराऊंगा। तो गाइस, हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात, यानी वारंट देखने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो व्यक्ति ये पूछ सकता है, आप गिरफ्तार होने से पहले मेरा अपनी अरेस्ट मेमो बनाओगे तभी मैं अपनी अरेस्टिंग कराऊंगा, वरना मैं नहीं करा सकता। तो गाइस, हम इस धारा पर बात करते हैं। ये है सीआरपीसी सेक्शन 57। ये कह रही है सीआरपीसी 57 कि 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते पुलिस वाले थाने के अंदर। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर ले जाते हैं पुलिस वाले तो उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। अगर उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखते हैं, उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी होगी पुलिस वाले को। फिर स्पेशल परमिशन जो लेनी होगी 167 के अनुसार, स्पेशल परमिशन मजिस्ट्रेट से लेनी होगी, तब जाकर उसको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन उसका भी कुछ टाइम होता है, उस टाइम होता है जैसे कि ये नहीं कि पूरे साल तक और पूरे महीने तक, उसका भी कुछ समय होता है जो कि केवल 15 दिन का होता है, इससे ज्यादा नहीं। गाइस, मैं अरेस्ट मेमो की बात करूं तो धारा यानी सीआरपीसी सेक्शन 41 सब सेक्शन बी के अनुसार अरेस्ट मेमो बनवाने का पूरा पूरा अधिकार है मुझे, और मैं इस धारा के अनुसार ही आपसे अरेस्ट मेमो बनवाऊंगा, तभी मुझे अरेस्ट करके ले जाइए, वरना मैं। तो गाइस, सीआरपीसी सेक्शन 41 सब सेक्शन बी के अनुसार अगर कोई पुलिस वाला या डिपार्टमेंट के लोग उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, अगर पूछताछ के दौरान उसको धमकी दे रहे हैं किसी तरह की, तो वो
जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो ये कह सकता है कि मेरे वकील के आने से पहले मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये चीज जो वो व्यक्ति कहेगा उन पुलिस वालों को माननी पड़ेगी। पुलिस वाले डायरेक्टली इस चीज को समझ सकते हैं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, किसी सेक्शन 41 सब सेक्शन डी के अनुसार बता रहा है, इसको पूरा पूरा नॉलेज है और पूरा पूरा अधिकार है पूछने का। लेकिन जब तक ये बता नहीं सकता, जब तक कि इनका वकील नहीं आ जाता है, तो वो व्यक्ति यही कह सकता है कि जब तक मेरा वकील नहीं आ जाएगा मैं आपको कुछ जवाब नहीं दूंगा, यानी नहीं बता सकता। उस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर कर ले जाते हैं तो उसका ख्याल पूरा पूरा ध्यान पूरा पूरा रखना चाहिए, ना कि ऐसा है कि उसको अरेस्ट करके ले जाइए और उसको थाने में बंद कर दिया और भूखा प्यासा जैसा भी है उसकी देखभाल कुछ नहीं। लेकिन धारा ये कहती है, धारा 55 सबसेक्शन ए, गिरफ्तार व्यक्ति की हेल्थ और सुरक्षा पूरा पूरा रखना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है इस धारा के अंदर, हम इस धारा में बात करें तो सबसे पहले तो इस धारा की बात करते हैं जो कि CRPC सेक्शन 54 है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्यक्ति को अगर बाहर से अरेस्ट किया है तो कोई ऐसे अपराध पे, किसी ऐसा अपराध कर दिया है जो कि पुलिस उसके साथ मार तोड़ कर सकती है, लेकिन सबसे पहले गिरफ्तार व्यक्ति है वो 54 के तहत ये कह सकता है पुलिस वालों से, आप मेरा मेडिकल टेस्ट कराएं, यानी मेरा मेडिकल टेस्ट कराया जाए। जो मेडिकल टेस्ट पुलिस वाले उसका कराएंगे तो उसमें ये देखा गया है कि उसमें सारी जितनी भी शरीर पर चोटें होंगी, कोई भी एक्सवाइजेड निशान होगा, पुराने से पुराना निशान होगा चोट का, तो वो टोटल मेडिकल टेस्ट में आ जाता है, जिससे कि पुलिस वालों से पिटने से बच जाता है। इसमें कि सजा देने का काम पुलिस वालों का नहीं है, सजा तो कोर्ट का काम होता है, अदालत का काम होता है सजा देने, लेकिन सबसे पहले हम ये कहते हैं कोर्ट बन जाती है कि उसका मेडिकल टेस्ट कराए। किसी भी मामले में अंदर जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है, थाने में बंद करती है, उसके साथ थोड़ा भी मारपीट किसी भी तरह का करते हैं तो उसके शरीर पर चोटें आती हैं, तो मेडिकल टेस्ट से होने, यानी जो मेडिकल टेस्ट पहले होगा उस मेडिकल टेस्ट में चोटें नहीं होंगी और उसके साथ फिर पिटाई होगी। पिटाई होने के बाद मारपीट किया जाए, उसके साथ मारपीट जो किया जाएगा, जो पिटाई होगी, उसके मेडिकल टेस्ट जो दोबारा से किया जाएगा तो उसमें चोटें आएंगी, निशान आएंगे। तो इस चीज़ में जो है ये CRPC 54 के तहत जो मेडिकल टेस्ट किया जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पुलिस किसी को किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकती, उस मेडिकल टेस्ट में सब कुछ आ जाता है। गाइस, हम इस धारा में बात करते हैं CRPC 50 धारा 50 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने बाहर से गिरफ्तार किया है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के घर पर पुलिस को सूचना देनी होगी कि आपके आदमी को हमने किसी दूसरी जगह से, यानी बाहर से गिरफ्तार किया है, कृपया आके बात कर सकते हैं या देख सकते हैं। सूचना देनी होगी किसी जरिए से, या उसके दोस्त को सूचना देनी होगी, या उसके किसी जानने वाले को सूचना देनी होगी, या किसी फोन द्वारा सूचना देनी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है उसके घर वालों को सूचना देनी होगी, बताना होगा कि आपके व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है। गाइस, नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंस यानी वारंट देखने का अधिकार। गाइस, सबसे पहले तो कोई भी पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए तो उससे यही कह सकते हैं आप सबसे पहले वारंट दिखाइए, हमें अरेस्ट वारंट दिखाइए, तब आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, वरना आप अरेस्ट वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते। गाइस, आज के लिए हम इतना ही बताते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैंने ये जो
आपको कानूनी कुछ धाराएं, कानूनी कुछ टिप्स दिए हैं, वो ब्लॉग के अनुसार दिए। मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैंने कहा था एक ब्लॉग बनाऊंगा और इस ब्लॉग में कानूनी कुछ धाराएं बताऊंगा, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हैं ये चीज बताऊंगा। तो गाइस मैंने यही बताया है, तो आज के लिए इतना है गाइस, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और गाइस कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, या फिर किस धारा पर वीडियो बनाएं ये भी बताना। इसमें कमेंट में जो भी आप कमेंट लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है, मैं उस कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।